निकलो एक ही जगह, एक बार मरेंगे बस। यहाँ मुझे दो लाइनें दिखी थी और यहाँ मेरी लाश, यहाँ से घर से। मैं अभी बच्ची से बात कर रहा था, उनको मैं कह रहा था आप बेटा हिम्मत रखना, ये जिंदगी ऐसी है। मैं 50 साल का हूँ, अब क्या है, 20 साल पहले मरूँ, 10 साल पहले मरूँ, फिर भी जाना है हमने एक दिन। कम से कम ये रहेगा गरीबों को कि नहीं कश्मीर के, कश्मीर उनके साथ बेचारों के साथ कोई नहीं है, हर कोई उनको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। वाकई मैं चाहता हूँ अगर देना है जान गरीबों के लिए देना है, वाकई इसमें वो तो इन हमारे बिनियाद अल्लाह ताला जानता है। हमने अब बहुत कुछ खोया है, अब मैं अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये तार और पोल का सवाल नहीं है, तार देगा हम वोट डालेंगे, देख इस कौम को क्या हुआ। ये लिखे हम गरीब को टच नहीं करेंगे, यही लिख दें बस, जो ये वर्बली कहते हैं हम गरीबों को नहीं छेड़ेंगे, यही हमने आर्डर चाहिए, वर्बली नहीं, हमें रिटर्न चाहिए दो लाइन्स में। हम 4 मरले, 15 मरले, 10 मरले वाले, या इन्होंने जो ड्राइव शुरू की नाले दूध गंगा पर, अफसोस है कल एक बंदा कह रहा था मैंने किडनी बेची और मकान बनाया, उसको पहले रिहेबिलिटेट करें फिर उसका मकान गिराए, मैं यही चाहता हूँ। ये बस छुटकारा हो गया, आज को आज मौका ये मन सो रही है हिंदुस्तान, सो रही है क्यों, सो रही है क्यों, वो क्या रूद आज नहीं ऐसे, वो मेरी करी गलती है, ऐसे करी वो मेरी गलती है, पॉलिटिक्स ने ऐसे कर फारियत के शीत ऐसे बख्श ने परवरदिगार की, ऐसे त्राज ने परवरदिगार की, تم کنان گچا پھو یمی سی کس غریب سن دل پوشیس یمن پجانا یمن پجانا گوڑ تمس بکوچ والس یم را मैं दो लाइनों में आर्डर चाहता हूँ, बाकी मैं इसके एविक्शन प्रोसेस के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ जो होगा, लेकिन पहले लोगों का सोचना है। देखिए मैं ये चाहता हूँ, ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जान बख्शी, मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, मैं दूसरे को क्यों कहूँ, क्योंकि ये मरना है, ये ज़िंदगी का सवाल है। मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला को हवाले करूँगा, गरीब को मैं बस इतना मदद कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है, अब हाउ कैन आई प्रूव, कैसे हम हिंदुस्तान को प्रूव करेंगे, हम आपके साथ हैं, देयर इज़ अ ट्रस्ट डिपॉजिट, वो हमको गैर समझते हैं, अगर हम अगर वो हमें अपना समझते हैं फिर हम पर इतना जुल्म नहीं होता। दिल्ली में एलजी ने बाज़ाब्ता तौर पर आर्डर निकाला है इवेक्शन ड्राइव, भाई आपको मेरी लाश यहाँ उठानी चाहिए, मुझे ये हॉस्पिटल ले, कहाँ ले, ये मेरी बात यहाँ तक पहुँचाना के लिए मेरी, मैं आई डोंट वांट टू पिनपॉइंट एनीबॉडी, दिस इज माय मिशन, यहाँ से मैं तब उठूंगा जब मुझे आर्डर आए, बाकी मुझे किसी पार्टी के साथ कुछ नहीं है, मुझे कुछ क्या कर, मुझे सियासत को क्या करना है इस वक्त, इससे उसके साथ मत छोड़े। लेकिन मेरी यही गुजारिश, अभी फ़ोन पर लेना महबूर फारूक साहब को, उनको बोलना अगर वाकई आपको दर्द है कश्मीर की, अपने गुनाहों को प्रायश्चित करना चाहते हो, फिर कौम के सामने आ जाओ, सीधे इनसे माफ़ी मांगो, हमें गलती हो गई, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है, और आ जाओ बैठो यहाँ। और मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, बाहर प्रोटेस्ट वोटेस्ट की जरूरत नहीं है, जहाँ बिल्डोजर लगे वहाँ सब मरो, इकट्ठे मरो, एक ही बार मरेंगे, और कोई देखिए गन कल्चर से मसला हल होने वाला नहीं है, ना अब कश्मीरी को उठाने वाला है।